हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 7 कंपनी लेखे अंशों का निर्गमन कंपनीज अकाउंट। कंपनीज अकाउंट में हम थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर रहे थे। इसमें इसी क्रम में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कंपनी की पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। कंपनी अपनी कैपिटल का जो मैक्सिमम पार्ट है वो शेयर्स को इशू करके देन कलेक्ट करती है। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का, उसमें कैपिटल क्लॉज के अंडर कंपनी की जो अथोराइज्ड कैपिटल होती है यानी अधिकृत पूंजी, उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर, तो कंपनी की कैपिटल को डिफरेंट वेज से डिवाइड किया जा सकता है या फिर एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो हम पॉइंट वाइज देखते जाते हैं कंपनी की पूंजी संरचना यानी कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। सो फर्स्ट थिंग, अधिकृत पूंजी मीन्स अथोराइज्ड कैपिटल। ये कैपिटल की वो एक कंपनी की वो कैपिटल होती है जो कि रजिस्टर्ड होती है, दैट मीन्स नॉमिनल कैपिटल। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इसकी रिकॉर्डिंग होती है अंडर हेडिंग ऑफ कैपिटल क्लॉज। कोई भी कंपनी अपनी अथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा कैपिटल के शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। ओके, कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो यही जो अमाउंट होता है अथोराइज्ड कैपिटल का, उसी के अंडर कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। इसलिए इसे रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल यानी अंकित पूंजी भी बोला जाता है। ओके, दैट्स वाई जब एक कंपनी अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्रिएट करती है तो उसे बहुत केयरफुल होना पड़ता है और ध्यान रखना पड़ता है कि मैक्सिमम लिमिट कितनी रखनी है एक अथोराइज्ड कैपिटल के अमाउंट की। बिकॉज आफ्टर राइटिंग अथोराइज्ड कैपिटल अमाउंट, उससे ज़्यादा का जो अमाउंट के शेयर्स हैं एक कंपनी इशू नहीं कर सकती है। ओके, यस, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट अल्टरेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। लास्ट ईयर 11th में आपने जब बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें बोला था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन जो है पॉसिबल है, बट इट्स प्रोसेस इज़ सो डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है उसमें। तो डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होने की वजह से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग करते टाइम बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। तो ऑब्वियसली अथोराइज्ड कैपिटल को भी डिसाइड करते टाइम केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग अथोराइज्ड कैपिटल, कंपनी की फ्यूचर एक्सपेंशन ग्रोथ, इन सब को भी कंसिडर करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है इसके बाद निर्गमित पूंजी और इशूड कैपिटल। कंपनी की अथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कि पब्लिक के परचेस करने के लिए इशू किया जाता है, उसे इशूड कैपिटल बोला जाता है। हम एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 1 लाख कैपिटल है, बहुत मतलब ये बहुत ही छोटा। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, सो मान लो 1 लाख रुपीज़ किसी कंपनी की अथोराइज्ड कैपिटल है, तो उस कंडीशन में उस 1 लाख रुपीज़ में से अगर कंपनी 50,000 रुपीज़ के शेयर्स इशू करती है तो 50,000 रुपीज़ जो हो जाएंगी वो हो जाएगी इशूड कैपिटल। ओके, सो अथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक को परचेस करने के लिए इशू किया जाता है, दैट इज़ इशूड कैपिटल। आफ्टर दैट नेक्स्ट है प्रार्थित पूंजी यानि सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक ने परचेस कर लिया है, ले लिया है, दैट इज़ नोन एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल और प्रार्थित पूंजी। लाइक हमारी इशूड कैपिटल थी 50,000। ओके,
इस 50,000 में से, यानी 50,000 के शेयर्स इशू किए तो वो इशूड कैपिटल हो गए। अब 50,000 के जो शेयर्स इशू किए थे उसमें से पब्लिक ने 40,000 के शेयर्स ले लिए हैं, तो 40,000 क्या हो जाएगी? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नेक्स्ट है इसके बाद याचित पूंजी या मांगी हुई पूंजी और कॉल्ड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक से कॉल कर लिया गया है, मांग लिया गया है, दैट इज़ नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल या याचित पूंजी या मांगी हुई पूंजी। ओके, यानी 40,000 हमारी जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल थी उसमें से कंपनी ने अभी हाफ कैपिटल कॉल की है या 30,000 कॉल कर ली है। ओके, तो वो जो 30,000 रुपीज़ कॉल कर लिए हैं वो कॉल्ड अप कैपिटल में इंक्लूड होंगे। एज आई एक्सप्लेन यू अर्लियर दैट कंपनी जो है शेयर्स का टोटल अमाउंट एक साथ जनरली नहीं बुलवाती है, कुछ इंस्टॉलमेंट में डिवाइडेड रहता है ये अमाउंट। ठीक है, जैसे कुछ अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम सबमिट करना कंपलसरी है, देन अलॉटमेंट के टाइम कुछ अमाउंट, देन रेस्ट ऑफ अमाउंट वन कॉल या टू कॉल्स में मंगवाते हैं या थ्री कॉल्स में मंगवा रहे हैं, तो इस टाइप से इंस्टॉलमेंट में मंगवाए जाते हैं। तो जितना अमाउंट शेयर पे कॉल कर लिया गया है वो कॉल्ड अप कैपिटल में इंक्लूड होता है। ओके, तो हमारा जो सब्सक्राइब कैपिटल थी 40,000, उसमें से कंपनी ने 30,000 कॉल कर ली है, तो वो हो जाएगी 30,000 की कॉल्ड अप कैपिटल। ओके, नेक्स्ट इज अयाचित पूंजी या न मांगी गई पूंजी, यानी अनकॉल्ड अप कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल ये सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट है जो अभी पब्लिक से नहीं मांगा है। ओके, उसे अयाचित या न मांगी गई पूंजी या अनकॉल्ड कैपिटल बोलेंगे। तो हमारे जो 50,000 इशूड कैपिटल थी उसमें से 40,000 सब्सक्राइब्ड कैपिटल थी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल 40,000 में से 30,000 कॉल्ड अप कैपिटल है, तो रिमेनिंग कितना बचा? 10,000, 10,000 हो जाएगा अनकॉल्ड कैपिटल। ओके, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। ओके, नेक्स्ट है प्रदत्त पूंजी या चुकता पूंजी पेड अप कैपिटल। अब हमने जो 30,000 रुपीस कॉल कर लिए हैं शेयर्स के कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक ने पे कर दिया है, दैट इज प्रदत्त पूंजी या चुकता पूंजी या पेड अप कैपिटल। ओके, कंपनी ने मांग लिया है 30,000 का अमाउंट, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारे शेयर होल्डर्स ने टोटली अमाउंट पे कर दिया हो। समटाइम्स कुछ जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अमाउंट पे नहीं करते या नहीं कर पाते, तो जितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है उतना पेड अप कैपिटल में इंक्लूड होता है। जस्ट लाइक 30,000 रुपीज़ कॉल्ड अप कैपिटल है, उस 30,000 में से कुछ शेयर्स ने अभी अमाउंट पे नहीं किया है, तो 25,000 रुपीज़ जो है वो पब्लिक ने पे कर दिए हैं टोटल, तो वो जो 25,000 है वो हो जाएंगे पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट इज संचित पूंजी। एक लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी जो है ये एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ये डिसीज़न ले सकती है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जो पार्ट अभी तक नहीं मांगा गया है या जो अनकॉल्ड कैपिटल है उसको ओनली कंपनी के वाइंड अप के टाइम पर ही मांगा जाए शेयर होल्डर्स से। ओके, तो इसे ही इसे रिजर्व कैपिटल या आरक्षित पूंजी बोलते हैं। ठीक है, यानी जो अनसब्सक्राइब्ड अमाउंट है कैपिटल का, 50,000 इशू किया था, 40,000 सब्सक्राइब हो गए, है ना, तो सब्सक्राइब कैपिटल का जो रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट है 10,000 रुपीज़, उसे कंपनी के वाइंड अप के टाइम पे ही मांगा जाए पब्लिक से, उससे पहले नहीं। ऐसा स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके कंपनी डिसीजन ले सकती है। तो वो जो कैपिटल है अभी कॉल नहीं की गई है, बट शेयर जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी रहेगी कि उन्हें वो अमाउंट पे करना ही रहेगा। ओके, तो वो एक तरीके से कंपनी के लिए रिजर्व कैपिटल में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, सो होप्स आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट।
कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। थैंक यू।